तो क्या हालचाल है आपके? लगता है नोकिया अब वापस ट्रैक में आने वाला है। अभी एक हफ्ते पहले यानी 3-4 दिन पहले नोकिया 2.4 लॉन्च किया, इसके बाद दो बजट स्मार्टफोन लॉन्च हुए 4G वाले ग्लोबली। फाइनली 2.4 को लॉन्च कर दिया इंडिया में और ये वाला डिवाइस आज से ही प्री ऑर्डर पे उपलब्ध है और इसकी जो लेकिन अब नोकिया का एक और स्मार्टफोन 5.4 बहुत जल्द ग्लोबल और इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाला है। ये फिलहाल 5.3 का एक अपग्रेड वर्जन होगा जो अभी 5.3 इंडिया में लॉन्च हुआ, जिसकी प्राइस करीब 12-13 हज़ार रुपये के आसपास हुए। नोकिया 2.4 की एक बजट स्मार्टफोन के तहत उसकी प्राइस करीब 10,000 के आसपास रखी। अगर 5.8 की बात करूँ तो इसकी पूरी कंप्लीट स्पेस सीट बाहर आ चुकी, प्लस इसकी एक प्राइस भी ऑनलाइन लिस्ट हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि इस वाले फ़ोन की जो प्राइस होगी वो करीब 17,000 से 20,000 के आसपास होगी, यानी 17,000 प्राइस करीब ग्लोबली होगी और 20,000 के आसपास प्राइस इसकी इंडिया में होगी। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन और बहुत सारे अपग्रेड के साथ ये वाला स्मार्टफोन बहुत जल्द ग्लोबल मार्केट और इंडिया में लॉन्च होगा। कहा यह भी जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि ये वाला स्मार्टफोन हमें इसी महीने यानी दिसंबर में ही ये लॉन्च होगा, लेकिन ये दिसंबर लास्ट तक लॉन्च हो सकता है इंडिया में। और इस वाले फ़ोन में जो फीचर्स प्रोवाइड किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा 5.3 से एक अपग्रेडेड देखने को मिल सकता है। हालांकि जो 5.3 उसमें आपको 6.5 इंच की एक HD+ की LCD, 12 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर का क्वाड्रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, इसके बाद 4500mAh की बैटरी, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और क्वालकम स्नैपड्रैगन 665 वाला प्रोसेसर दिया था। लेकिन इस वाले फ़ोन में कम्प्लीटली एक अपग्रेड होगा। वैसे नोकिया तो आए गई, लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, क्योंकि हमें 6 महीने में 5,000 का टारगेट पूरा करना है और अगर आप साथ दोगे तो मैं डेफिनेटली पूरा कर जाऊँगा। अगर नोकिया 5.4 के फीचर्स की बात करो तो इस वाले फ़ोन में पहली बार 6.4 इंच की एक आपको फुल HD+ की IPS LCD देखने को मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस वाले फ़ोन में 665 वाला प्रोसेसर होगा, लेकिन नहीं, जहाँ तक दूसरी रिपोर्ट निकल के सामने है कि इस वाले फ़ोन में 730G देखने को मिल सकता है। एक सिंगल स्टोरेज ऑप्शन होगा जिसमें 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज होगी, ये अपग्रेड कर सकते हो 512GB तक। क्वाड रियर कैमरा सेटअप होगा, लेकिन इस बार 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया जा सकता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल के दो बराती होंगे। 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन हाँ मैं बता दूँ स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आएगा, एंड्रॉयड 11 के साथ ये आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल सकता है। नोकिया फ़ोन के कैमरे बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी एक जो लेंस टेक्नोलॉजी होती है वो अलग होती है, ना सैमसंग का लेंस होता है ना सोनी का, इनका खुद का ही एक लेंस होता है। कैमरे अच्छे होते हैं, मेरे दोस्त के पास नोकिया का 7.1 है, बहुत बढ़िया कैमरा है। तो 4500mAh की बैटरी होगी, USB Type-C पोर्ट के साथ इस वाले फ़ोन में 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। प्राइस की बात करूं तो इंडिया में इसकी एक जो स्टोरेज आएगा करीब 20,000 के आसपास में प्राइस आएगा और अगर ग्लोबली की बात करूं तो करीब 17-18 हज़ार के आसपास ये लॉन्च हो सकता है। अगर इस प्राइस के साथ अगर इंडिया में आ गया ना तो वर्थ है ये बाई के लिए, फिर नोकिया को नोकिया नहीं नोकिया को इन करना मतलब शुरू हो जाएगा, क्योंकि 20,000 में 730G मायने रखता है खासकर नोकिया की तरफ से। और नोकिया के फ़ोन हमेशा ऑप्टिमाइजेशन अपडेट्स और प्लस कहते ना प्योर यूज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि अभी तक जितने इंडिया में लॉन्च हुए हैं सब में हाईएस्ट प्राइस के साथ लॉन्च हुए, क्योंकि जितने मिड रेंज स्मार्टफोन है सब में HD+ की डिस्प्ले के साथ प्लस पुराना प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस अच्छा देते हैं नोकिया वाले फ़ोन। तो अगर इस प्राइस के साथ अगर इंडिया में लॉन्च हो गया तो सीरियसली एक नोकिया की तरफ से बेहतरीन अपग्रेड हो सकता है। हालांकि इंडिया में नॉन चाइनीज़ के ऑप्शंस में माइक्रोमैक्स भी आ चुका है, उसका नोट वन बी करके दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए। नोट वन में थोड़े बहुत बग्स वगैरह प्लस कंप्लेंस वगैरह भी काफ़ी देखने को मिली, बिल्ड क्वालिटी में उसके सवाल उठाए। हालांकि माइक्रोमैक्स के CEO राहुल शर्मा ने आज अपना पहला क्वेश्चन आंसरिंग वीडियो डाला यूट्यूब चैनल पर, जिसमें उन्होंने कह दिया कि इस वाले फ़ोन में Wideband L1 का सपोर्ट अब नहीं आएगा, ये आएगा अगली जो प्रोडक्ट आएगा माइक्रोमैक्स की तरफ उसमें देखने को मिल सकता है। हालांकि माइक्रोमैक्स है थोड़ा और 2-4 नए फ़ोन प्रोडक्ट आए इसके बाद फिर सोचे इसके बारे में कि क्या करना सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ फ़ोन अच्छे हैं आप देख सकते हो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन की तरफ से। मैं तो प्लान कर रहा हूँ जल्दी मुझे सेल पे अगर मिल जाएगा तो इस चैनल पे आपको इसका वीडियो देखने को मिल सकता है। तो बस
इतना सा था इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया इस वाली वीडियो को लाइक करना, शेयर करें, बाकी सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। अगर इस वीडियो से आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा वेट करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।